शाहपुर के धार्मिक पर्यटन क्षेत्र खबरू महादेव में बहने वाले प्रदेश के दूसरे सबसे ऊंचे जल प्रपात के नीचे दबे युवक का शव आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया है। युवक की पहचान 21 साल के केशव के तौर पर हुई है, जो कि शाहपुर के ही चड़ी गांव का रहने वाला था। दरअसल केशव बीते गुरुवार को अपने दोस्तों के साथ धार्मिक पर्यटन स्थल खबरू महादेव गया हुआ था और यहां वाटरफॉल के नीचे बने एक छोटे से तालाब में नहाने के लिए जैसे ही डुबकी लगाई वो नीचे धंस गया और वो वापस नहीं लौट पाया। जब इस घटना को आसपास नहा रहे लोगों ने देखा तो उन्होंने चिल्लाने शुरू कर दिया। पास में खड़े एक स्थानीय लोगों ने तालाब में डुबकी लगाकर उसे खोजने की भी लाख कोशिश की, मगर तमाम प्रयास असफल रहे। हालांकि उसी वक्त प्रशासन या पुलिस को इतला की जा सकती थी, मगर खबरू ट्रैक न केवल बो पंचायत के सड़क मार्ग से 5 किलोमीटर की खड़ी और कठिन चढ़ाई चढ़कर आता है, बल्कि ये बेहद दुर्गम इलाके के तहत काफ़ी ऊंचाई पर भी है, जहां अभी भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिसके चलते वक्त रहते रेस्क्यू टीम को सूचना नहीं दी जा सकी। मगर वहां पर तुरंत ही लोगों ने नेटवर्क में आकर इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौके का मुआयना किया और सीधे NDRF से संपर्क किया। जब NDRF नूरपुर के सब इंस्पेक्टर आशुतोष काला की अगुवाई में 10 जवानों की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने रात होने के कारण सुबह वक्त ही रेस्क्यू ऑपरेशन करने की ठानी। आज जब सुबह टीम मौके पर पहुंची तो कड़ी मशक्कत के बावजूद भी लगातार प्रयास असफल रहे। हालात तो यहां तक पहुंच चुके थे कि पानी का टेम्परेचर कम होने के चलते जवानों का शरीर भी बेहद ठंडा होने लगा था। स्थानीय लोगों ने NDRF के जवानों की हौसला अफजाई की और उनके लिए आग का भी बंदोबस्त किया। उसके बाद जैसे ही अंतिम प्रयास करने के लिए NDRF के जवान संजय कुमार ने जैसे ही डुबकी लगाई तो उन्हें फिर सफलता हासिल हुई और इस तरह से युवक केशव का शव निकालने में वो सफल हुए। इस दौरान संजय कुमार ने बताया कि NDRF ने इस तरह के कई जान बचाव अभियान किए हैं, मगर वाटरफॉल के नीचे डूबे हुए किसी शख्स को आज दिन तक नहीं बचाया, मगर आज पहली मर्तबा वो भी उन्हें यहाँ मौका मिला है। यह एक बेहद टफ ऑपरेशन था, मगर हमने बुलंद हौसलों के तहत इस पर भी फतेह हासिल की है। वहीं NDRF के सब इंस्पेक्टर आशुतोष काला ने बताया कि यहाँ का अनुभव बेहद कठिन रहा है। यहाँ पानी अपनी और जवानों की ओर खींच रहा था, फिर भी हमारे जवानों ने कड़ी मशक्कत करके मिशन को फतेह किया है। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे, कड़ी मशक्कत के बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आपने बॉडी को रिकवर किया? सर, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो मेरे जवानों का मोरल था वो बहुत हाई था। ये सबसे पहले हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यहाँ पे पैदल काफ़ी था आने के लिए, लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और हम लोगों के जो रेस्क्यू इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो वाटर इमरजेंसी के हों चाहे माउंटेनिंग इमरजेंसी के हों, तो वो काफ़ी हैवी होते हैं, तो यहाँ पे उनको पहुँचाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन गांव वालों का थोड़ा ये सपोर्ट रहा कि उन्होंने हमारी हेल्प कर दी, तो हम लोग टाइमली यहाँ पे पहुँच गए थे। उसके बाद जब अपना ऑपरेशन साइट को सर मैंने एनालिसिस किया, तो मैंने मेरे साथ अपने डीप डाइवर थे, तो हम लोग एक बार सीन को एनालिसिस करने के बाद हम ये देखा कि हम किस तरह से अप्रोच जो है बना सकते हैं, कहाँ पर जो है विक्टिम फंसा हो सकता है, कहाँ कहाँ पर चांसेस हैं कि विक्टिम मिल सकता है। उसके बाद हम लोगों ने एक प्लानिंग किया, उसके बाद अपने रोप वगैरह को एंकरिंग करके बढ़िया से अपने जवानों को बढ़िया एंकरिंग करवा के फिर मेरे जवान जो हैं वाटर में उतरे हैं। कितने जवान थे सर? हमारी ये सब टीम थी और अभी मेरे साथ 10 रेस्कुअर थे और इन्होंने बहुत बेहतरीन एफर्ट लगाया है, और मेरे साथ 2 डीप डाइवर थे जिन्होंने पानी के अंदर जाके लगभग ये 10 फीट का गहरा इसने मुझे बताया है कि सर लगभग 10 फीट गहरा यहाँ पे ये जो है नीचे जो तालाब है वो बना हुआ है, और 10 फीट गहराई में इसने जाने के बाद जब पहला एफर्ट लगाया था, तो पहले एफर्ट में क्या हुआ, हम लोगों ने जो एंकरिंग किया था वो जो है बहुत दूर हो जा रहा था, विक्टिम तक शायद पहुंच नहीं पा रहा था, तो फर्स्ट टाइम में इसे कंफर्म नहीं हुआ। जब इसने अपना सेकंड एफर्ट लगाया तो सेकंड एफर्ट में इसने मुझे ये बताया कि सर जो है सस्पेंस हो रहा है कि कुछ वहाँ पे हो सकता है, अंदर जो है पहाड़ के अंदर की तरफ जो है एक खाई टाइप की बन रही है, वहाँ जो है कुछ हो सकता है। दूसरे टाइम में फिर जो तीसरा एफर्ट था उसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रयास किया, डीप डाइवर अंदर गया और बॉडी को जो है बाहर रिकवर करके लेकर। सर ये ऑपरेशन अगर साइड के व्यू से देखा जाए बहुत टफ था, क्योंकि इतना हाइट से जब पानी गिर रहा है तो वो एक रेस्क्यूअर के लिए चैलेंज था। दूसरा, पानी के साथ ऊपर से क्या, पानी के साथ कब कौन सा रॉक फॉल हो जाए,
तो ये रेस्टोर के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी इन जवानों ने जो है अपनी जान की परवाह किए बिना जो है बॉडी को रिकवर किया। वहीं SDM मुरारी लाल ने कहा कि राहत और बचाव कार्य में उन्हें सफलता तो मिल गई है, मगर वो जान नहीं बचा पाए हैं, इसका उन्हें मलाल है, मगर भविष्य में यहाँ ऐसा न हो इसके लिए कड़े प्रयास किए जाएंगे। इसकी जो जानकारी हमें शाम को कोई 5 बजे के आसपास मिली, तो उसके बाद हमने सबसे पहले अपने मतलब हायर अफसर को इन्फॉर्म किया, और फिर हमने जो NDRF की टीम है उससे बातचीत की, तो जैसे ही अराउंड 7 या 8 के आसपास वहाँ से वो आपकी NDRF की टीम चल पड़ी। तो शाम को जब यहाँ बात की गई तो यहाँ पता लगा कि शाम को कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो यहाँ पे अंधेरा है और पानी वगैरह भी काफ़ी ठंडा है, तो नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से हमने क्या किया, जो हमारी NDRF की टीम थी उसको हमने यहाँ पे रेड कमांड हमारा फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है वहाँ पे इनको ठहराया, और सुबह ये मतलब अराउंड 8:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए। तो ये ऑपरेशन आपका 8:30 से अप टू टिल डेट तक मतलब जो है चला, और मैं जो NDRF की टीम है उनका धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही मैं जो ये जो शोक संतप्त परिवार है इनके साथ में अपनी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ, और इसकी दुख की घड़ी में हम सभी प्रशासन जो पूरा प्रशासन है जो इस परिवार है इसके साथ हम हैं। क्योंकि सर आप यहाँ के प्रशासनिक प्रमुख हैं, शाहपुर की बात की जाए तो यहाँ पर जो वो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट का फुटफॉल रहता है, तो उसके लिए कोई मेजर स्टेप नहीं उठाए जाते, यहाँ पर लोग आते हैं उनकी जान पे कटी जाती है, इस तरह की घटना नहीं, इस तरह की घटना का ये पहला वाक्य है, क्योंकि जो जैसे भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो गहराई है ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या जो घटना घट गई है उसके बाद जो भी हमें स्टेप है वो लिए जाएंगे। तो सर जिस तरह से अभी जिनके साथ यह हादसा पेश आया है वो परिवार यहाँ पर आया था या फिर किसी के साथ कोई जानकारी की मिल पाई है? नहीं, ये किसी अपने फ्रेंड के साथ है। तो घर में मांग इस किसके पेरेंट्स भी यहाँ साथ आए ना, इसके फादर साथ हैं। SHO त्रिलोचन राजपूत ने बताया कि पुलिस शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज रही है और जल्द ही परिजनों के सुपुर्द कर देगी। जो हादसा हुआ है यहाँ पर इसकी जानकारी पुलिस को कब मिली थी, किसकी ओर से सहायता मिली थी? पिछले कल शाम को करीब 5 बजे थाना शाहपुर में पुलिस चौकी जो द्रिणी है उसके इंचार्ज ने हमें सूचना दी कि कोई आदमी जो है खबरू जो वाटरफॉल है उसमें कोई डूब गया है। जैसे सूचना मिली मैं अपनी टीम लेके यहाँ पे पहुँच गया, और लोकल लोगों की मदद से हमें फिर काफ़ी देर तक करीब शाम 8:15 बजे तक उसकी तलाश करते रहे, लेकिन पानी गहरा था और ऊपर से भी पानी गिर रहा था और अंधेरा होने के कारण बॉडी की तलाश नहीं की जा सकी। फिर शाम को हमने अपने SDM साहब और अपने सीनियर ऑफिसर SSP साहब से बात की कि ये मुश्किल पेश आ रही है, तो उन्होंने फिर NDRF की टीम जो है वो हमें प्रोवाइड करवाई, और आज 9 तारीख को NDRF की टीम को लेकर के हम यहाँ मौके पे आए, और उनकी मदद से फिर आज जो बॉडी जो है उसको बाहर निकाला गया है, और उसका फर्दर पोस्टमार्टम वगैरह आज करवाया जाएगा, उसके बाद बॉडी जो है उनके जो वारिस हैं उनको हैंडओवर कर दी जाएगी। क्या लगता है सर कि वैसे तो हम जानते भी हैं दम घुटने से ही मौत हुई होगी या स्ट्रगल कुछ बच्चे की ओर से किया गया है, क्या हो सकता है ये इस पानी के बारे में ना जानता हो और अनजाने में आगे चला गया, और क्योंकि पानी काफ़ी गहरा है आगे जाके करीब 10 फुट के करीब पानी गहरा है, और यहाँ पे एक वर्लपूल भी बनता है और हो सकता है उसमें फंस कर ये बच्चा बाहर ना निकल पाया हो, और इसकी बॉडी जो थी ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने जो गोताखोर गए थे उन्होंने बताया कि पत्थरों के बीच अंदर चली गई थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला है आज। तो बच्चे को स्ट्रगल करने का मौका नहीं मिल पाया होगा इसलिए क्योंकि बॉडी पे निशान उस तरह के है ही नहीं, कोई ऐसा निशान है, सिर्फ बाईं तरफ हल्का सा एक रगड़ का निशान है चोट का, हो सकता है गिरते वक्त उसको कहीं लग गई हो, तो बाकी कोई बॉडी बिल्कुल साफ है, कोई लेफ्ट साइड में थोड़ी सी इंजरी है, वो हो सकता है गिरने का रगड़ जैसा निशान है, वो हल्की सी मामूली ताजी चोट है, वो तो हो सकता है वो जब वो पत्थरों में गिरा होगा तो उस वक्त लग गई होगी, जब संघर्ष किया होगा बचने के लिए, हर आदमी संघर्ष करता है जब डूबता है, तो उस कारण लगी हो सकती है वो। किस तरह की अपील आप युवाओं से करना चाहेंगे कि जब भी आप यहाँ आए तो क्या करें? मेरी युवाओं से यही अपील है कि जब भी किसी अनजान जगह पे जाएं तो जो पानी वगैरह है उसमें तैराकी करने की जरूरत कोशिश ना करें, क्योंकि पानी का पता नहीं चलता कितना गहरा है, और जैसे ये पानी देखने में कम गहरा लगता है लेकिन जब हमारे सामने इसकी पैमाइश की गई तो 10 फुट के करीब ये गहरा नजर आ रहा है, और बाहर से देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, और ऊपर से पानी गिर रहा है और ये काफ़ी खतरनाक झरना है, और मेरी अपील यही होगी जो युवा लोग हैं
कि यहाँ पे नहाए ना, अगर नहाना है तो बाहर किनारे नहाएं, अंदर जाने की कोशिश ना करें।